नेम्ड रिएक्शंस में से हमारा आज का रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाइनो अल्काइलेशन ऑफ एन एसिडिक प्रोटॉन नेक्स्ट टू द कार्बन आयल कार्बन बाय यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड एंड अ प्राइमरी आर सेकेंडरी अमाइन आर अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एज अ कैटलिस्ट। The final product is beta amino carbonyl compound, also known as mannish base, that is dialkyl amino carbonyl compound. Ammonia and other primary amines may be employed, but the product formed usually reacts further till all the hydrogen are consumed up. इसमें हम अमोनिया या दूसरे प्राइमरी अमाइन लेते हैं, टर्शियरी अमाइन्स में नहीं लिया जाता। और दूसरा कंपोनेंट जो इसका है वो है फॉर्मल्डिहाइड, उसमें कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए उसमें सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होती, इसलिए हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बेंजल्डिहाइड वगैरह भी ले सकते हैं इसमें। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो उसका कीटोन है या कार्बोनाइल कंपाउंड कोई दूसरा जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसमें इनोल बनने की पॉसिबिलिटी हो। यहां पे हमारे पास कैंडियमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये है हमारे पास एसीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड। इसकी इस कार्बन के ऊपर ये CH2 लग जाएगा। यहां पे देखिए कार्बोनाइल की अल्फा कार्बन, उसके साथ CH2 है जो कि फॉर्मल्डिहाइड से आएगा, और आगे जो है NR2 या जो भी हमारे पास अमोनिया होगा या दूसरा कोई प्राइमरी अमाइन होगा तो वो कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा उसका हाइड्रोजन रिमूव होके। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड और प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन या अमोनिया जो भी होगा वो रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है उस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH बन जाएगा। नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पेयर यूज कर लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई पहले की निस्बत। इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही हैं, लेकिन पहले जो है इसका लोन पेयर है, अब वो लोन पेयर इसके पास नहीं रहा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये हाइड्रोजन लूज होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस नाइट्रोजन को आ जाएंगे, जो एच पॉजिटिव ऐड हुआ था कैटलिस्ट के तौर पे वो यहाँ पे रिमूव हो गया, ये अमाइनो अल्कोहल बन गई, ये अमाइनो है और ये अल्कोहल। दूसरे स्टेप में ये अमाइनो अल्कोहल फिर एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, OH जो है वो एच पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के OH2 पॉजिटिव बना लेगा, OH2 जो है वो गुड लीविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसे पुश करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के और H2O रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा अमीनियमाइन। सी डबल बॉन्ड N जो है वो इमीन होता है या आयमाइन होता है, आयमाइन, और इसे पॉजिटिव आ जाएगा तो अमीनियमाइन। थर्ड और लास्ट स्टेप है कि हमारे पास ये अमीनियमाइन है, ये जो हमने कहा था कि तीसरा कंपोनेंट कीटोन होगा, ये इसकी इनोलिक फॉर्म है इन ओल, ये हाइड्रोजन जो है यहां से लूज होगा, यहां पे कार्बोनाइल डबल बॉन्ड बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये CH2 पे अटैक करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वापस चला जाएगा और इसका लोन पेयर जो है वो रीगेन या रीजनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया ये R, इसके साथ कार्बोनाइल, इसके साथ कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन जो है कीटोन की होगी, उसके बाद CH2 आएगा जो कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से आया और जो है सब्सिट्यूटेड जो है नाइट्रोजन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप जो है वो लग गया।
कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, फिर एसीटोन, उसी तरह फॉर्मल्डिहाइड, डाइथाइलामीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल लिया तो बीटा अमाइनो हमारे पास कीटोन बन गया। यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेनोन लिया, फॉर्मल्डिहाइड और अमाइन ली, डाइमिथाइल अमाइन है ये, एचसीएल की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन में बीटा कार्बन पे अमाइनो अल्काइलेशन हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड के बजाय बेंजल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन में ये कार्बन जो है इनोलाइजेबल है, इस कार्बन के साथ पहले क्या होता था, फॉर्मल्डिहाइड का जो भी कंपोनेंट होता था वो आता था, अब क्या आएगा, अब बेंजल्डिहाइड का कंपोनेंट आएगा। ये हमारे पास बेंजीन कार्बोन आयल, ये उसकी अल्फा कार्बन, इसके साथ क्या आना है, यहाँ पे CH आ गया जो कि यहां से आएगा, और नेक्स्ट जो है वो बेंजीन आगे साथ बीटा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच हो गए। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी है कि हमारे पास जो है मैनिक बेस बनती है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज मैनिक बेस, उससे हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन आयल कंपाउंड्स बना सकते हैं और उनको आगे फर्दर किसी और फंक्शनल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इजी हो जाता है। चेन एक्सटेंशन कर सकते हैं, होमोलोगेशन कर सकते हैं, मीन एक कार्बन ऐड हो जाएगी, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट जो है वो उसका मेंबर आ जाएगा, या हम कह सकते हैं CH2 इंसर्शन हो सकती है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ये 2-ब्यूटेनॉन है, मैनिक रिएक्शन में यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, यार कि यहाँ पे लगेगा CH3 पे लगेगा अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे ही रिएक्शन होगा इस वाली कार्बन पे, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं होगा, या आप दूसरा फैक्टर यूं कह लें कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा जब एसिटिक प्रोटॉन रिमूव होगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस CH3। तो इस CH के साथ आगे CH2 जो फॉर्मल्डिहाइड से आता है और आगे जो है वो अमाइनो ग्रुप लग जाएगा। एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये अमाइनो ग्रुप जो है प्रोटोनेशन होके सॉल्ट की फॉर्म में यहां से रिमूव हो जाएगा, ये एच निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये सॉल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोन आयल कंपाउंड बन गया। इसकी रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड से रिडक्शन से, हाइड्रोजन ऐड होने से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है 2-ब्यूटेनॉन और यहाँ पे ये जो है उसका नेक्स्ट जो है कंपोनेंट CH2 इंसर्ट यहां पे हो गई तो ये 3-पेंटेनॉन बन गया। इस तरह यहां पे एक और एग्जांपल है, ये हमने अभी पिछले देखी एग्जांपल, इसमें भी यहां पे एलिमिनेशन होगी तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हम कहते हैं एक्सोमिथिलीन कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इसमें हम इंडोल जो है वो एज अ बेस लेते हैं, इस पे रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और ये हमारे पास स्कैंड्री अमाइन है और एस्टिक एसिड और वाटर की प्रेजेंस में, ये हमारे पास अमीनियम आयन बनेगा जो फॉर्मल्डिहाइड से और इससे स्कैंड्रियामाइन से बना, डबल बॉन्ड इस पे अटैक किया, हमारे पास CH2NME2 बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो है चूंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया था
तो ये हाइड्रोजन लूज होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोबारा आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट एच की प्रेजेंस में ये अमाइन जो है प्रोटोनेट होगा और सायनाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो सायनाइड इस CH2 पे अटैक करेगा और यहाँ से इस सॉल्ट को रिमूव कर देगा। ये सायनाइड जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था मैनिक रिएक्शन, उसका मैकानिज्म और उसकी एग्जाम्पल और सिंथेटिक एप्लीकेशंस। थैंक यू।